आजादी में सिर्फ एक दिन बाकी, गली मोहल्ले सब गुलामी परचमों और झंडियों से सज गए। आप जश्न यार, पिछली बार भी तेरी गाड़ी खराब थी, इस बार भी तेरी गाड़ी खराब है, तेरा भी सही है भाई। यार काम करवाना है गाड़ी का, बस टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा जो करवाना है 14 अगस्त से पहले करवाना है, और हाँ इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। यार सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, पहले समीर को तो आने दे। पता नहीं किधर रह गए। चाचा 2 कट चाय लाना। अस्सलाम वालेकुम। क्या ठीक है? कैसे भाई? हमेशा की तरह हमें जल्दी बुलाकर लेट आने वाली आदत इसकी अभी तक नहीं गई। बस यार वो घर के कुछ एक दो काम थे तो मैंने सोचा कि वो निपटा लूं तो फिर एक की बार तुम लोगों के पास आऊं। अच्छा तो बता चाय पिएगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? चाचा एक और चाय और ले आओ। अच्छा तो फिर भाइयों इस बार क्या सीन है 14 अगस्त का? सीन क्या होना है, पिछली बार मेरी छत पर आतिशबाजी की थी, इस दफ़ा इसकी छत पर करेंगे। बस डन है, इस बार तो बाजा भी बहुत बड़ा लाया हूँ। भाइयों इस बार हम 14 अगस्त नहीं मना रहे। क्यों? क्योंकि मुहर्रम है। क्या मतलब? तोशी है? क्यों मुहर्रम खाली शियों के लिए है? हाँ नहीं तो और, हम तो अपनी आजादी खुशी का जश्न मनाएंगे। गम ना खुशी से ज्यादा बड़ा होता है। और तुम लोग किस मुल्क की आजादी मना रहे हो जिसकी बुनियाद ही इस्लाम पर रखी गई है? भूल गए तुम लोग पाकिस्तान का मतलब? शिया सुन्नी होने से पहले हम सब मुसलमान हैं, और मुहर्रम हम सब के लिए। ये तो लोगों की बनाई हुई दीवारें। तुम लोगों को लगता है कि एक दिन झंडा लहराने से तुम अपने वतन की मोहब्बत का इजहार कर लोगे? वही झंडा अगले दिन जमीन पे पड़ा हो। अगर तुम लोग वाकई अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो तो जाओ पौधे लगाओ, गरीब लोगों की मदद करो, और अपने वतन के लिए दुआ करो कि वो सलामत रहे और उस पे ये जो मुसीबतें हैं ये टल जाएं। अगर हाँ तुम लोगों को जश्न मनाना है तो मनाओ, लेकिन मैं नहीं मनाऊंगा।